जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। A day without laughter is a day wasted. ऐसा मैं नहीं, इंग्लिश कॉमिक एक्टर सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिन्हें हम चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था। देखा, मैंने उनका नाम लिया और आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब बताइए। Well, इसे कहते हैं पर्सनालिटी, मतलब आपका नाम लिया जाए और सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आ जाए। वैसे चार्ली चैपलिन ने किया क्या था, कभी सोचा आपने? अपना मजाक उड़ाकर, अपनी हंसी उड़ाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आए। पर जब हम ये अपने साथ सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ऐसे कैसे, अगर हम बात बात पे हंसेंगे या फिर हम थोड़ा अपना लाइट मूड रखेंगे तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे, मतलब वो क्या कहते हैं, हल्के में ले लेंगे लोग हमें। पर क्यों, हम क्यों चाहते हैं अपनी एक सीरियस वाली इमेज? मे बी शायद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आस पास की फेक वैल्यूज पर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान देने लगते हैं, और वो जो नेचुरल इनोसेंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिस होती जाती है। मुझे तो इस मामले में ना सबसे अच्छे बच्चे लगते हैं। आपने गौर किया होगा, एक छोटा बच्चा वो दुनिया में किसी तरह बिना किसी की परवाह के हंसता है। उसे कोई फिक्र नहीं होती कि कौन उसे देख रहा है, ना ही उसे इस चीज की परवाह होती है कि उसका चेहरा कितना अजीब दिख रहा है। वो बच्चा सिर्फ इसलिए हंसता है क्योंकि वो उस पल को जी रहा होता है कि नहीं? क्या मुझे अपने कुछ एक सवालों का एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टली जवाब मिल सकता है? ओके, सो बी रेडी। आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। सबसे पहला सवाल, क्या आपके घर में भी है वो 20 साल पहले डब्बे जैसा बड़ा वाला टीवी, जो आपके पापा जी बड़े शौक से पूरे शहर की दुकानों का सर्वे करने के बाद खरीद के लेकर आए थे? आई नो, एज अ मेमोरी अभी भी वो रखा हुआ है कहीं पर छत्ती में या फिर घर के स्टोर रूम में, यूज नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट घर में वो रखा है। क्यों रखा है, हम उसको कबाड़ी वाले को क्यों नहीं देते, इसके बारे में शायद घर पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ा वाला कलेश हो सकता है। अच्छा, तो फिर वो साइकिल भी होगी ना आपकी, जो आपको क्लास में फर्स्ट आने पर गिफ्ट मिली थी, टूटी फूटी हालत में ही सही, लेकिन वो रखी हुई है। तो कुल मिला के अगर तो रेंटेड अकोमोडेशन में है कोई, तो इस तरह की लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो जाती है, एंड अगर अपना घर है तो ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है, मतलब ये खत्म होने पर ही नहीं आती। सो ओवरऑल मुद्दा ये कि क्या हमें इस बात का एहसास रहता है, इस बात की फीलिंग रहती है कि हमारा घर बिना जरूरत की चीजों का, अननेसेसरी चीजों का म्यूजियम बनता जा रहा है? नहीं ना, यही एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर अचानक से कोई इसी वक्त आपको ये बोल दे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है अपनी जरूरतों का सामान अपने घर से आपने निकालना है, एक सूटकेस में रखना है, तो इमीडिएटली आप क्या रखोगे? शायद अपना वॉलेट, अपनी फैमिली की कुछ एक फोटोग्राफ्स, कुछ कपड़े और हद से हद एक टूथब्रश। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आप फॉर्मल कपड़े रखोगे या फिर कुछ एक पार्टी शूज रखोगे या फिर कुछ डिजाइनर वेयर रखोगे, नहीं ना। इसका मतलब ये कि जिंदगी अपनी एकदम लिमिटेड चीजों में या जरूरत की चीजों से चल सकती है। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा। फिर हम बेवजह इतना बड़ा अंबार क्यों लगा के रख लेते हैं? और ये तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की बात है, हाउ अबाउट अपने मन में जो बिना किसी वजह के हम चीजें जो घर कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमें ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई, जब मन की हम क्लीनिंग ही नहीं करेंगे, मन से हम वेस्ट निकालेंगे ही नहीं इधर उधर फालतू की बातों का, तो ओवरबर्डन तो होना ही है ना। फिर जिंदगी में कुछ एक नयापन, जिंदगी को नया रंग देने का सवाल ही नहीं उठता जब पुराना ही नहीं निकालोगे। मे बी छोटी सी शुरुआत आज से, अभी से करके देख सकते हैं। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा।